हेलो दोस्तों, राम राम जी। आपका ये इतना प्यार और सम्मान देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। चैनल मोनेटाइज हुआ था इसलिए आपने मुझे बहुत बधाई दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सभी की मैंने कमेंट पढ़ी है अच्छे से, लेकिन रिप्लाई देने में थोड़ा टाइम नहीं लगता क्योंकि मील में मैं अपनी जॉब पर व्यस्त रहता हूँ दिन में, और शाम के टाइम में अपने इस काम में मर जाता हूँ। आपके लिए वीडियो अपलोड करने के लिए जिसमें मुझे देर हो जाती है, उसमें समय ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मेरी वीडियो भी लेट आती है। अगले हफ्ते से प्रयास करूँगा कि आप वीडियो आपको जल्दी मिल जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप अपना प्यार ऐसे बनाए रखें। आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपकी सभी कमेंट पढ़ता हूँ, इतने प्यार और विश्वास से ज़्यादा मुझे कमेंट करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए, 4 दिन हो चुके हैं, बारिश बरसात थमने का नाम नहीं ले रही। 2 दिन से लगातार मेरी ड्यूटी के टाइम पर ही बारिश हो रही है। कल तो मैंने हाफ डे किया था और आज मैं बारिश में जाऊंगा जो नहीं रुकी तो, क्योंकि मेरे अधिकारी भी बोलते हैं कि तो बाहर ना लेता है छुट्टी का मारने का। अभी थोड़ा बूंदाबांदी से है तो ड्यूटी पर चलते हैं। देखते हैं पूजा ने क्या बनाया आज खाने में। क्या बनाया पूजा खाने में आज? आलू टमाटर बनाए। चलो आज आलू टमाटर बनाए हैं। आलू टमाटर लेके चलेंगे। और पापा जी 8 बजे निकल गए थे घर में, पापा जी आए हैं, जो दादी बुआ आई है उनके घर वाले, तो उनसे मिलने के लिए पापा जी आज सवेरे निकल गए थे घर के लिए, और उनसे मिलकर जब जाएंगे अपनी ड्यूटी पर। देखिए अपनी मौसी के पास आराम कर रहे हैं अमित, और आज ये घर जाएगा, नहीं पहले जाएगा मम्मा के यहाँ पर और फिर जाए घर। दोनों मौसी भांजे खा रहे हैं मूंगफली। देखिए अपने पास ही मूंगफली रखी है और चबा रहे हैं मूंगफली सुबह सुबह कटे में। और मैं चलता हूँ अपनी ड्यूटी पर, जो है रेडी और बाइक भी रेडी है, चलते हैं ड्यूटी पर। और मैं आ चुका हूँ मील में, और मील बंद पड़ा है क्योंकि बरसात की वजह से गंदा नहीं आ रहा। देखिए ये, और मेरे कमरे के आगे भर रहा है पानी। और देखिए मैं मिल में आ चुका हूँ, और मिल आज बंद है, 4 दिन से बरसात हो रही थी इसलिए मिल में गन्ना नहीं आ रहा, और आज बहुत ज़्यादा काम है, मशीनें चेक करनी पड़ेगी और किसी में दिक्कत होगी तो वह ठीक करनी पड़ेगी। आज का वर्क बहुत हार्ड है तो करते हैं आज का वर्क। चलता हूँ अभी ड्यूटी पर, जो आज मैं थोड़ा लेट हुआ हूँ, 15 मिनट लेट हुआ आज ड्यूटी पर आने में बारिश की वजह से। कपड़े मैंने चेंज कर लिए अपने। कमरे के आगे हो रहा है जलमग्न, और इसलिए मुझे जाना पड़े जो उसके जो पाइपलाइन है उनके नीचे को, और वो बैठकर इसके नीचे को बैठकर निकलना पड़ेगा बिल्कुल आराम आराम से, क्योंकि यहाँ पे फिसलन भी हो रही है। आज बिल्कुल खाली खाली है मिल। देखिए एक आध ट्रोल जा रही है बस, बरसात के कारण माहौल, बारिश हो जाने के कारण खेतों में छोल नहीं चल रही, गन्ने नहीं कट रहे, इसलिए कम गन्ने आ रहे हैं। जिसके पहले गन्ने कट चुके थे 2-4 दिन पहले, उन्हीं के गन्ने आ रहे हैं। अब ताज़ा गन्ना नहीं कट रहा, बरसात में कोई गन्ने काट नहीं जाता, बारिश की वजह से गीला जाने के कारण गन्ने अच्छे से नहीं कट पाते, मिट्टी आती है वो दसन हो जाती है खेत में, जिससे कि पैर धस जाते हैं, वो गन्ने नहीं कट पाते। इस कारण मिल में आज गन्ने कम आ रहे हैं, और हमें आज हार्ड वर्क करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। देखिए मिल बिल्कुल सुनसान खाली है, एक आध ट्रॉली है वो गई गन्ने की आ रही है। और ड्यूटी से आने के बाद मैंने आज मम्मी के साथ दूध निकलवाया, मैं खोल रहा हूँ बच्चे को, और बच्चे पी रहे हैं अपनी माता का दूध, और मम्मी निकालेगी अब दूध। मम्मी ने दूध निकालना शुरू कर दिया है, और मम्मी बैठी है पटड़ी पर, क्योंकि मम्मी से वैसे बैठ नहीं जाता, उनके पैर में मोच आ गई थी जिस कारण सही से नहीं बैठा जाता, इसलिए पटड़ी का प्रयोग कर रही है।
और देखिए दूध निकालने के बाद बछिया बांध दिया है और इनके नीचे सूखा कर दिया है। गद्दे पर पत्ती कटी हुई डाल दी है जिससे कि इन्हें ठंडा ना लगे। और गोबर इधर हटा दिया है। दोनों माँ बेटी आराम से लौटेगी और मैं आ गया हूँ चाचा जी के यहाँ पर। क्या कर रहे हो आप? पॉलिश लगा रही। किसने बोला आपको ये? ये मम्मी ने बोला था क्योंकि तू नखून पॉलिश लगा ले पैर पे। किस लिए? नो कारी थे तो क्योंकि मम्मी नो कारी थे तो ना ले फिर नखून पॉलिश ना के लगा लिए। अच्छा कहीं जाना है आपको? ना हुआ मम्मा के जा रही। कौन जा रहा है? मम्मा के मम्मा। और कौन जाएगा? वीडियो तो बनाओ। वीडियो बनाऊं? सच्चे ही? आपकी वीडियो बन रही है? आप बताओ किस साथ जाओगे मम्मा के? वो जा रहे गोरम मम्मा का। किस साथ जाओगे आप? आपके साथ। मेरे साथ जाओगे? हाँ। सच्चे ही? अब मुझे आपने बताया भी नहीं। मैं नहा दूंगा जाता और नए कपड़े पहन जाता। ना लिया मैं? हाँ। किसने बताया आपको? आप कहे थे मम्मी को अपने घर मम्मी मैं नाऊं। हाँ चिंदू कर रहा था मैं। किसने बताया आपको? आप इतने बड़े हो गए थे। इतना बड़ा हुआ मैं? कितना? इतना बड़ा। अच्छा जी इतने बड़े हो गए हम। और मैं भी होगी। आप भी बड़े हो गए? हाँ मैं रोटी पोक हूँ। रोटी पोक रहे हो? अब मुझे भी खिला दो आज रोटी अपने हाथ की। अभी मैं रहते नहीं हूँ। क्यों? अभी धूप निकल। अच्छा धूप निकलने में बनाओगे? हाँ। हाँ अभी तो बरसात हो रही है थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है। हाँ अभी बारिश हो रही है। शाम को मरा रहे रोटी बारिश में। हाँ। चलो आप तैयार हो जाओ इतना फिर चलेंगे मम्मा का। ठीक है हो रहे तो तैयार। मैं तो हो जाओ हो गए तैयार। ये अच्छे कपड़े हैं। हाँ। सच्ची? हाँ कलर वाले। कलर वाले वो कहीं चार पांच कलर है इसमें तो। देखो चार पांच है इसमें कलर। ये पिंक है कलर है। अच्छा पिंक कलर है। मैं तो रेड सोच रहा था। रेड नहीं है ये। रेड नहीं ये दोनों रेड नहीं है। अच्छा जी। हाँ ये लखून पॉलिश। चलो ये लखून पॉलिश है। लखून पॉलिश है। हाँ। चलो ठीक है हो जाओ आप रेडी मैं चलता हूँ इतने। हाँ मैं मम्मी के साथ आ जाऊंगी। ठीक है। मैं पहुंच जाऊंगी पापा की मोटरसाइकिल पे। अच्छा। हाँ। फिर मोटरसाइकिल खड़ी कर देंगे फिर चले जाएंगे फिर आ जाएंगे फिर चले जाएंगे। ठीक आने जाने कर रखेंगे बस कभी इधर कभी उधर है। हाँ। चलो ठीक है आप मेरे आगे आगे आ जाइयो। ठीक है मैं आपके आगे आगे चलूंगा। ओके मैं बिजार के दौरे न चलियो। और वे काट लेते हैं। अच्छा बिजार काट लेते हैं। हाँ। चलो ठीक है बिजार। क्योंकि अब वे बिजार गुड़ खाते हैं। गुड़ खाते हैं? हाँ। अच्छा कुल्लू में गुड़ खाते हैं वे? कुल्लू में भी खावे। अच्छा जी। हाँ हम कुल्लू में जा रहे। ठीक है मेरे आगे आ जाइयो। हाँ मैं आपके आगे आगे चलूंगा। ठीक है दोनों मोटरसाइकिल चलेगी। हाँ किस किस की मोटरसाइकिल चलेगी? एक उस पे भैया बैठेंगे एक हम बैठेंगे उस पे है ना। ठीक है। हाँ।
लगा लो आप, देखिए ना पूर्ण पॉलिश ना। दिख गया तो आगे में देखो इसमें भी है। हाँ। बहुत अच्छी लग रही है। ये सूख गई है। हाँ, देखो लगा के लाओ देखे आगे में सूख गई। ये देखो लगी नहीं मेरी उंगली पर। ठीक है आप लगा लो फिर चलते हैं। ओके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। राम राम जी, धन्यवाद।